देखिए, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ एंड लास्ट पार्ट। ठीक है, क्या है हमारे पास? हियर एक्स अपॉन 2 प्लस 2 वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू -1 है, एंड एक्स माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, देखिए पहले हमने करना है इसको किससे? एलिमिनेशन मेथड से, बाई एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, पहले करना कौन सा? एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, लीनियर इक्वेशन बनाना है। ठीक है ना, पहले वाली को अपने, सबसे पहले हमने पहले वाली को क्या करना है, लीनियर इक्वेशन बनाना। ठीक है, तो बनाए इसको लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, तो देखिए जब प्लस लगा हो तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। प्लस लगा हो, माइनस लगा हो, क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक, 3 × x करें तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक, फिर प्लस का प्लस, 2 × 2 करें कितना हो जाएगा, 4, और साथ में बाई अपान 3 × 2 = 6 इज इक्वल टू -1, विच इम्प्लाइज 3x प्लस 4y इज इक्वल टू, ये 6 है, तो जब ये इक्वल टू इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब ऊपर की तरफ जाकर। ठीक है, 6 × -1 करेंगे क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक है ना, ये रही हमारे पास कौन सी, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, सिमिलरली यहाँ पर भी मानना आपने, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे आपने क्या मानना है, 1 मानना है। ठीक है, तो 3 × x करेंगे क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, माइनस वाई इंटू 1 करेंगे क्या होगा, वाई होगा, अपॉन 3 × 1 करेंगे क्या होगा, 3 इज इक्वल टू 3, विच इम्प्लाइज 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 3 से कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, ये रहे हमारे पास कौन सी, सेकेंड। देखिए यहाँ पर हमें कुछ मल्टीप्लीकेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट जो टर्म है ना फर्स्ट इक्वेशन में, और फर्स्ट जो टर्म है सेकेंड इक्वेशन में, दोनों क्या हो रही है, सेम हो रही है। ठीक है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए एलिमिनेशन का मतलब यही होता है कि खत्म करना, मतलब किसी एक टर्म को खत्म करना। ठीक है ना, तो हम किसी एक टर्म को क्या करें, खत्म कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे किसे, फर्स्ट से। तो फर्स्ट फर्स्ट हमारे पास क्या, 3x प्लस 4y। ठीक, ये रही हमारे पास फर्स्ट, माइनस करेंगे सेकेंड, सेकेंड क्या हमारे पास, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -6, और फिर क्या आगे, -9 है। ठीक, तो 3x विच इम्प्लाइज 3x प्लस 4y माइनस 3x, इसको इससे किया और फिर इसको इससे, तो -(-3x) को -3x और -(-) क्या करेंगे, मतलब -(-) क्या प्लस होता, प्लस होता है, और साथ में y इज इक्वल टू -6 और -9। देखिए माइनस माइनस अभी लगा होता है, इसका मतलब ये होता है कि दोनों को प्लस करना होता है। ठीक है ना, बट साइन किसका रहता है, माइनस का रहता है। 9 और 6 कितने हो गए, 15 हो गए। ठीक है, विच इम्प्लाइज देखिए यहाँ से ये 3x और ये 3x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से 4y प्लस वाई करेंगे कितना हो जाएगा, 5y इज इक्वल टू कितना हो गया, -15। ठीक है, विच इम्प्लाइज देखिए 5 × 1 = 5 एंड 5 × 3 से कितना हो गया, 15 हो गया। तो वाई इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, -3 हो गया। ठीक है ना, वाई हमारे पास निकला कितना, -3। अब क्या करेंगे हम, पुट वाई इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट में डालें, फर्स्ट हमारे पास क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 है। ठीक है, तो 3x प्लस 4 इंटू वाई, वाई कितना हमारे पास, -3 है, इज इक्वल टू -6। तो 3x 4 × 3 करें कितना होता है, 12, माइनस लगेगा साथ में, इज इक्वल टू -6, विच इम्प्लाइज 3x इज इक्वल टू -6, ये माइनस का 12 है, इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक है, विच इम्प्लाइज 3x इज इक्वल टू 12 -6 करेंगे कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = कितना हो गया, 6 हो गया, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2 हमारे पास। ठीक है ना, तो इस तरह से वो हमारे पास क्या, x कितना, 2 निकला। ठीक है ना, देयरफोर एक्स इज इक्वल टू 2 एंड वाई इज इक्वल टू, वाई हमारे पास क्या निकला, -3। ठीक है ना, ये रहा हमारे पास कौन सा, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है ना, बाई एलिमिनेशन मेथड से हमने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे क्या, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, चलिए देखिए अब हम इसी को किससे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, बाई
बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, x अपॉन टू प्लस टू वाई अपॉन थ्री इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, तो पहले आप इसको क्या करते, लीनियर इक्वेशन बनाते, थ्री इंटू एक्स करेंगे क्या हो जाएगा, थ्री एक्स प्लस टू वाई इंटू टू करेंगे कितना हो जाएगा, फोर वाई। ठीक है, अपॉन थ्री टू सर सिक्स इज इक्वल टू माइनस वन, विच इम्प्लाइज थ्री एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू माइनस सिक्स। ये रही हमारे पास कौन सी, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब सेकंड उसने क्या कहा हुआ है, सेकंड है उसके पास एक्स माइनस वाई अपॉन थ्री इज इक्वल टू थ्री। ठीक है, तो क्या है, विच इम्प्लाइज थ्री इंटू एक्स करेंगे क्या हो जाएगा, थ्री एक्स माइनस वाई अपॉन क्या हो जाएगा, थ्री इज इक्वल टू थ्री, विच इम्प्लाइज थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू नाइन। ये रही हमारे पास कौन सी, सेकेंड। ठीक है ना, क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, थ्री एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू माइनस सिक्स, विच इम्प्लाइज थ्री एक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स, ये प्लस का फोर वाई इधर रख दिया जाएगा, माइनस का फोर वाई, विच इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स माइनस फोर वाई अपॉन क्या हो जाएगा थ्री। ये रही हमारे पास कौन सी, थर्ड। ठीक है, तो पुट करेंगे क्या, इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, देखिए हमने थर्ड निकाली है फर्स्ट इक्वेशन से, इसलिए हम इसको पुट करेंगे सेकेंड में। ठीक है ना, एंड हमारे पास क्या, थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू नाइन, विच इम्प्लाइज थ्री इंटू एक्स, एक्स कितना हमारे पास, ये पास माइनस सिक्स माइनस फोर वाई अपॉन थ्री। ठीक है, और माइनस वाई इज इक्वल टू नाइन। ठीक है, विच इम्प्लाइज देखिए यहाँ से ये थ्री क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास क्या, माइनस सिक्स माइनस फोर वाई माइनस वाई इज इक्वल टू नाइन, ठीक है, विच इम्प्लाइज तो माइनस फोर वाई और माइनस वाई करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस फाइव वाई हो जाएगा। ठीक है, ये नाइन है, ये माइनस का सिक्स ही रखा जाएगा, प्लस का सिक्स हो जाएगा। ठीक है, और कितना हो जाएगा, ये फिफ्टीन हो जाएगा। ठीक है ना, विच इम्प्लाइज माइनस फाइव वाई इज इक्वल टू हमारे पास फिफ्टीन, फाइव वन सा फाइव, फाइव थ्री सा फिफ्टीन, तो ये माइनस है, इस माइनस को ख़त्म करेंगे, वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस थ्री हो जाएगा, वाई हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस थ्री। ठीक, अब क्या करेंगे, पुट वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, वही गेट थर्ड हमारे पास क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स माइनस फोर वाई अपॉन क्या है, थ्री, विच इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स माइनस फोर इंटू वाई, वाई कितना हमारे पास अभी निकाला, माइनस थ्री अपॉन क्या होगा, थ्री होगा, विच इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स माइनस इंटू माइनस किया क्या हो गया, प्लस हो गया, फोर थ्री जगह कितना हो गया, ट्वेल्व हो गया, अपॉन कितना हो गया, थ्री हो गया, विच इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू, देखिए ट्वेल्व माइनस सिक्स करेंगे कितना होगा, सिक्स होगा, अपॉन थ्री, थ्री वन सा थ्री, थ्री टू सा सिक्स इज इक्वल टू टू, तो यहाँ से हमें निकला देयर फोर एक्स इज इक्वल टू टू एंड वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री। ठीक है, फोर्थ पार्ट है इसका, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी और एलिमिनेशन मेथड से भी क्या कर दिया, कंप्लीट कर लिए। ठीक है, इस तरह से वो हमारे पास ये एक्सरसाइज 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, तो चलिए देखिए इन क्वेश्चन को जितना आप खुद प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये आएगा। ठीक है, तो खुद से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है ना, तो चलिए अभी तक लिए रखते हैं इतना ही।